हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके रेडमी 9A में यदि इसका माइक वर्क नहीं करता है, ठीक है, यदि इसका माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में इसका जो माइक का ट्रैक होता है और इसको जो वोल्टेज होता है उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस ट्रैक में किन कंपोनेंट, इसका जो माइक का हमारा ट्रैक होता है वो किन कंपोनेंट से होता हुआ हमारी कौन सी आईसी में जाता है, इसके बारे में, और प्लस इसमें जो हमारा वोल्टेज रहता है, बायस का वोल्टेज, इनको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि इसका काम क्या होता है और ये क्यों काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो यहां पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने है रेडमी 9A का यहां पर मदरबोर्ड है और यहां पर नीचे है इसका सीसी बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं है हमारा इसका माइक, और इसके माइक में यहां पर तीन पिनें होती हैं। जो नीचे वाली होती है वो तो हमारे इसके माइनस वाला पॉइंट होता है ग्राउंड का, ठीक है। मैं यहाँ पर जी लिख देता हूँ, जी मतलब होता है ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपको ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला होता है हमारा बायस का वोल्टेज, ठीक है। जो ये वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं बायस का वोल्टेज, जिसको मैं बी से लिख देता हूँ। बी मतलब होता है बायस, बायस का वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इस वाले पॉइंट पर जो वोल्टेज आता है उसको हम कहते हैं माइक का इन वोल्टेज, जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है, जिसको मैं पी से लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो बायस का वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं। लेकिन क्या दोस्तों, हर वीडियो का ट्रैक अलग अलग होता है और नए व्यूवर्स आते हैं, उसकी वजह से मैं कंप्लीट जानकारी हर वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बायस का वोल्टेज को हम समझ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर सर्च करके रखा है, ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए बायस का वोल्टेज क्या है। बायस एक कम डीसी वोल्टेज है, वोल्टेज है जो आमतौर पर 1.5 से लेकर 9.5 डीसी वोल्टेज के बीच होता है। हमारे जो मोबाइल में आता है जो 2.5 वोल्ट के बीच होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, देखो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जिसका उपयोग कंडेंसर या कैपेसिटर प्रकार के माइक्रोफोन के कैप्सूल के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बिजली देने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको समझाऊँ कि इसका जो बायस का वोल्टेज है उसका क्या काम है। देखो, सबसे पहले तो हमारा माइक का क्या काम है, हमारा माइक का काम है, हमारे जो हम जो बोलते हैं वो होता है ऑडियो सिग्नल, उस ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है हमारा माइक। और ये सब करने के लिए माइक के अंदर जो सर्किट होता है, उस सर्किट को काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं हम बायस का वोल्टेज, ठीक है। समझ में आ गया, हमारे माइक के अंदर जो सर्किट होता है छोटा सा, जो हमारे ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, उस सर्किट को काम करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं बायस का वोल्टेज। समझ में आ गया, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे पहले हम इस बायस के वोल्टेज के ट्रैक को समझते हैं। जो बायस का वोल्टेज होता है वो हमारे यहाँ पर इसके पास में एक कैपेसिटर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर आता है, सबसे पहले इसमें आता है। और उसके बाद दोस्तों, हमारा सीधा इस कनेक्टर के ऊपर, इस कनेक्टर में चला जाता है। कौन सी पिन में जाता है उसको भी मैं बताऊंगा, उससे पहले हम इसकी पॉजिटिव वाली लाइन को देख लेते हैं। इसकी जो पॉजिटिव वाली लाइन है दोस्तों, वो आती है हमारे यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर के अंदर आता है। दोस्तों, अगर ये वाला कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका इसमें माइक वर्क नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं आपको कंप्लीट ट्रैक का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारा माइक का ट्रैक इस रजिस्टर में जाता है, ठीक है। ये रजिस्टर वापस सीरीज के अंदर रहता है दोस्तों। अगर आपका ये वाला रजिस्टर बिल्कुल निकल जाता है तो भी आपके मोबाइल में माइक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसलिए आप पहले वीडियो को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही अपने मोबाइल में वर्क करें, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वोल्टेज यहाँ पर आता है। अब मैं आपको बताऊँ, जो इधर जब आप यहाँ पर देखोगे तो 6 नंबर पिन है, उस पर आता है हमारा इसका ये बायस का वोल्टेज, ठीक है। 6 नंबर पिन ये वाली है, जब आप इधर से काउंट करोगे, ठीक है, ये तीर का निशान लगा देता हूँ, इधर से काउंट करोगे तो 6 नंबर जो पिन है उस पर तो आता है हमारा बायस का वोल्टेज, और इधर हमारे जो 7 नंबर पिन है उस पर आता है हमारा इसका पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज आता है 7 नंबर पिन पे,
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जाता है हमारे यहाँ पर जो फोल्डर के अंदर में पता होता है, उस पत्ते के जरिए इस कनेक्टर के अंदर इसकी सप्लाई आ जाती है। दोस्तों पहले वीडियो को समझ ले, उसके बाद हम इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये वोल्टेज यहाँ पर इसके ऊपर जो मेन कनेक्टर है उसके 8 नंबर पिन पर, ठीक है, सॉरी 7 नंबर पिन पर तो आता है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज। ये बात को आप खास कर ध्यान रखें, 7 नंबर पिन जो ये वाली है, हम यहाँ से काउंट 3 3 3 6 और ये 7 नंबर पिन, इस पर हमारा आता है इसका पॉजिटिव वोल्टेज। और उसके बाद में इसका 9 नंबर पिन है, उस पर आता है हमारा इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है, बायस का वोल्टेज जिसको मैं बी सी लिख देता हूँ, समझ में आ गया। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 नंबर और इधर हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 नंबर, ठीक है। इसमें यहाँ पर इन कनेक्शन, इसमें कनेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज हमारा जाता है सीधा, मैं पहले इसके बायस के वोल्टेज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। पहले वीडियो को अच्छे से समझ ले और उसके बाद ही अपने मोबाइल में वर्क करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे इसमें पावर आईसी यहाँ पर ये लगे हैं, इस पावर आईसी के पास में जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर लगाएं, यहाँ से हमारी इसकी बायस का वोल्टेज की सप्लाई जाती है, और इधर जो ये वाला कैपेसिटर लगाएं, इस वाले कैपेसिटर के अंदर हमारी इसकी सप्लाई ये वाली आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर इस कैपेसिटर में जाती है, और इस कैपेसिटर के बाद सीधा हमारी इस पावर आईसी में चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है वो आती है हमारे यहाँ पर, ठीक है, सीधा हमारे यहाँ पर इसमें जो इधर देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर लगा है आपका, ये देखिए जो ये वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर ये सप्लाई आती है, ठीक है, मैं इधर यहाँ से आपको ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ के अंदर होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाला कैपेसिटर अगर आपका निकल जाता है रिपेयरिंग करते समय, या फिर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो भी आपका माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद इस कैपेसिटर में जाता है, और उसके बाद ये कैपेसिटर भी वापस सीरीज़ के अंदर रहता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके इसमें चला जाता है, ठीक है, पावर आईसी में। इस तरीके से होता है हमारे इसमें माइक का वेज। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो देखो माइक चेंज करना है वो तो बिल्कुल आसान है, उतना देखो अगर मैं बनाता हूँ वीडियो टेक्नीशियन के लिए ही, क्योंकि ये काम सिर्फ टेक्नीशियन ही करते हैं, कोई कस्टमर डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको क्या करना है, अगर माइक चेंज करने के बाद भी अगर माइक वर्क नहीं करता है तो आप इनको स्टेप बाई स्टेप आप इनकी सप्लाई चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर इनकी सप्लाई आ रही है और कहाँ पर नहीं आ रही है। और इनके लाइन में जो कॉम्पोनेंट लगा, जैसे ये कैपेसिटर लगा, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो भी हमारी ये बायस की लाइन शॉर्ट दिखाएगी। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है कि कहां पर आपका सप्लाई आ रही है, कहां तक नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने इसका जो ट्रे है वो कंप्लीट बता दिया है आपको, किन कंपोनेंट से होते हुए हमारी कौन सी आईसी में जाता है। तो दोस्तों यहां पर रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर।